जब हम मैच के दौरान थोड़ी गलतियां कर देते हैं या एक रेस में थोड़ा सा पीछे रह जाते हैं, तो हमारा माइंड ये सोचने लग जाता है कि बाकी लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे। हम ये चिंता करने लग जाते हैं कि हम अपनी गलतियों को कैसे छुपाएं। तो ये जो जजमेंट है, ये जो फियर है, उससे हमें लगता है कि हमें बस गिवअप कर देना चाहिए। अब गिवअप का मतलब ये नहीं है कि बस हम कोर्ट छोड़ के, रिंग छोड़ के बस निकल लिए, लेकिन कहीं ना कहीं हमारा माइंड जो है वो गिवअप कर लेता है, क्योंकि हमारा माइंड ये सोचता है कि अगर मैं अपना पूरा 100% दूँ ही ना, अगर मैं ट्राई ही ना करूँ, तो मैं फेल कैसे हो सकती हूँ। ऐसा सच नहीं है, सिर्फ अगर ट्राई नहीं करेंगे वो ही एक गारंटी है फेलियर की। अगर आप ट्राई करते रहें तो फेल होने का एक्चुअली कोई चांस है नहीं। और इस दौरान हमारा माइंड क्या करता है, हम थोड़ा फास्ट प्ले करने लग जाते हैं, हम उतना ध्यान नहीं देते हर एक मोमेंट को, हम जल्दी से गेम ख़त्म करना चाहते हैं ताकि हम भाग सकें, अपने आप को दोबारा से सेफ फील कर सकें। तो इसी दौरान आपको एक करेज, एक साहस के साथ खेलना है कि आप चाहे जो भी सिचुएशन हो आप खेलते रहें। ये याद रखिए कि स्पोर्ट ऐसा एक फील्ड है जहाँ पे इट्स नॉट ओवर टिल इट्स ओवर। हर एक मोमेंट आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है कि आप उस सिचुएशन को बदल सकें और आगे बढ़ सकें। एंड एट द एंड ऑफ द डे स्पोर्ट सिर्फ हार और जीत के बारे में नहीं है, स्पोर्ट आपको इस तरीके से खेलना है कि आप खुद से प्राउड हो सकें, आपका पूरा देश आपसे प्राउड हो सकें, और आप जब वापस घर जाएं तो आप शीशे में खुद को देख सकें और बोल सकें कि मैंने अपना बेस्ट दिया।